सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके विरुद्ध रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त को फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई है, जब माना जा रहा है कि कोर्ट फैसला सुना सकता है। आजम खान पर आरोप है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे, जो कि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी। नियम के अनुसार 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन नहीं आ सकती है और इस नियम का उल्लंघन किया गया था। इसी संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब कोर्ट 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि मामले पर बातचीत में वरिष्ठ वकील अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एनसीआर नंबर 33/2019 थाना गंज पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा साल 2019 में मोहम्मद आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 171F और 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन राजा डिग्री कॉलेज में मोहम्मद आजम खान वोट डालने पहुंचे थे, जो कि तब एक मतदान केंद्र था। ऐसा करके उन्होंने वाहनों को 200 मीटर के दायरे में ना लाने वाले नियमों का उल्लंघन किया था। आरोप के मुताबिक यह परस्पर रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। इसके संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पीपी तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में एक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। ट्रायल विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। आपको बता दें कि इसमें अभियोजन के द्वारा गवाह प्रशेषित कराए गए थे। पीपी तिवारी की मौत हो गई थी, जो कि तब उप जिला अधिकारी थे। दोनों पक्षों द्वारा बहस फाइनल हो चुकी है और फैसले के लिए कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख तय की है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।